वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सीआरपीएफ में कमांडेंट साहब, सीआरपीएफ में 35 साल नौकरी की है और उसमें 7 साल पंजाब में रहा हूं। मैं तो पंजाब को अच्छी तरह जानता हूं और पहले पंजाब में ही पैदा हुए थे। आज बसंत पंचमी है और ये किसानों का त्योहार है, मतलब हमारा त्योहार है। इस दिन को छोटू छोटी छोटराम का जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। वैसे उनका जन्मदिन 24 नवंबर का है, लेकिन लोग जब उनको जाते थे मुबारकबाद देने तो वो बोलते थे कि मेरा जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाओ। सब बोलने में कोई गलती हो माफ करना, मेरा लकवा मारा है मुंह में कई दिन हो गए। तो उसके बाद ये बसंत पंचमी को मनाया जाता है उनका जन्मदिन। और उन्होंने क्या काम किए, हमारे जो पहले वक्ता है उन्होंने काफी बताया है। मैं चाहता हूं अभी जो हालात है उसके बारे में बात करें। पहली बात तो यह है कि इस सरकार को हमने समझना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, याद करो, चौधरी छोटराम के टाइम में कांग्रेस जो थी वो शहरी पार्टी थी, गांव में जमींदारा पार्टी थी, जो हमारी पार्टी थी। और छोटराम ने उस कांग्रेस को अच्छी तरह पानी पिला दिया, हरियाणी स्टाइल में बोलते हैं, अच्छी तरह पानी पिला दिया कांग्रेस को। और 20 साल तक उन्होंने राज किया पंजाब पर, ज्वाइंट पंजाब पर, पूरा एक पंजाब था, पाकिस्तान का पंजाब, हमारा आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी था उसी में। 20 साल तक उस पार्टी ने राज किया और इनको चने चबा दिए कांग्रेसियों को, क्यों? उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ थी। आज कांग्रेस हमारे साथ है, मैं किसी पार्टी का चेला नहीं हूं। आज कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, लेकिन वो ये तो बताएं कि 60 साल के उनके राज में कौन सा उन्होंने कानून बनाया हमारे लिए। 50-60 साल राज किया है, उसमें एक भी कानून बता दे वो कि ये बनाया किसानों के लिए, वो स्वामीनाथन ने किया था सर्वे, रिपोर्ट बनाई कमीशन ने, उसको भी लागू नहीं किया इन लोगों ने। अभी हमारे साथ चल रहे कि चारों तरफ से मुंह के ऊपर पड़ी है, जब ये हमारे साथ आए कांग्रेसी। अब रही बात बीजेपी, बीजेपी क्या है समझ लो, बीजेपी जो छोटराम के टाइम में ये सारे सूदखोर थे, इनके बाप दादे सूदखोर थे, और हम जब इनसे सूद लेते थे ये ब्याज लगाते थे, हम जब ब्याज वगैरह वापस नहीं दे पाते थे ये हमारी जिंदगी को हड़पते थे, खेती नहीं करते थे। ज्यादा उनकी औलाद आज बॉम्बे में बैठी है, बॉम्बे, उनके 5-5 मंजिल के सिंध में और दूसरी जगह में उनकी बड़ी बड़ी हेलवेरियां हैं, उन्हीं सूदखोरों की। अब वो आदमी आ गए इस सरकार में, मैं उदाहरण दूंगा आपको कि जब ये सरकार आई तो हम अफसर रिटायर हुए, इनकम टैक्स देना पड़ता है, हम 31 मार्च को इनकम टैक्स भरते थे, 10,000-20,000 जो भी आता था। जब से ये सरकार आई सूदखोर, ये पहले ही काट लेते हैं सूद उसको, इनकम टैक्स को। हमारी जो पेंशन है वो जो जानते होंगे, और भी होंगे यहां बहुत आदमी, कि पहले ही काट लेते हैं लोग या पार्टी या सरकार। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सूदखोरी की पंजाब में, उनमें से उनके बाप दादू ने, और वो काम हमारे साथ इन्होंने शुरू कर दिया। चौधरी छोटराम ने कानून बनवाए,
1935 में कई कानून बनाए, उनको बदला इन्होंने। और ये तीन कानून बनाए हैं, ये वो है कानून समानति, समानतावादी कानून है ये। ये तीन कानून ऐसे हैं जिनके जरिए जो पहले चलते थे 1920 से पहले, वही जो है कानून लागू कर रहे हैं पुराने, और उसमें हमारी जमीन आस्ते आस्ते जाएगी, बड़े तरीके से जाएगी। ये मत समझना, ये जानते हैं कि जमीन के लिए हम आपस में भाई को मार देते हैं, ये जानते हैं, लेकिन बड़े तरीके से हमारे जमीन खोसेंगे, छीनेंगे। और हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हमारी जो औलाद है, बच्चे हैं, उनको मालूम पड़ेगा क्या हो गया। अभी दुनिया भर के तरक देते हैं सरकार, बोलो, आपने सुना होगा टीवी के ऊपर भी, बोला ये कानून जो है ऑप्शनल है, मर्जी के हैं, मानो ना मानो। ऐसा कोई कानून नहीं होता जो मर्जी का होता है। सरकार कानून इसीलिए बनाती है कि मानना पड़ता है, मानना चाहिए, लेकिन हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हम इसको मानना नहीं चाहते। हमारे कुछ आदमी जो नेता है किसानों के, वो समझदार हैं, उन्होंने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है और जाना, अभी हमारे सामने लाए, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते। हम जानते नहीं है जब तक हमको दूसरा नहीं बताता है। और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पंजाब के जो किसान है वो वाकई में हमसे आगे हैं, और हरियाणा वालों को उन्होंने बताया। 500 किलोमीटर आकर के यहां देखो हमको जगाया है। हम सो रहे थे, हम सो क्यों रहे थे कि हमको ये मिट्टी वो जो है नींद की गोली, कांग्रेस हो चाहे वो क्या, लोग कई पार्टियां बढ़नी है और ये तो है ही, ये सारे जो है हमको नींद की गोली दे रखी थी। अभी थोड़ा सा जागे हम और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात करना चाहूंगा लास्ट में कि 26 जनवरी को हमारे पास मौका था, 26 जनवरी को हम इनको सिखा देते कि आंदोलन क्या होता है, लेकिन हमारे नेता इनके ऊपर विश्वास कर लिया, इन लोगों पर विश्वास कर लिया कि हमारी सुनेंगे, हम रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, परेड निकालेंगे और ये हमारी बात सुनेंगे। लाखों ट्रैक्टर बलवा लिए, क्यों? हम इन लोगों को समझ नहीं पाए। मैं बताइए, उन्हीं लोगों की संतान है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को भिखारी बना दिया था, उन्हीं की संतान है ये लोग। बड़ाई क्या करेंगे कि भाई सिखों तो ये किया, हिंदुओं को बचाया, इतनी बड़ाई करते हैं, क्या कभी सोचा है कि सिख 500 किलोमीटर से यहां करके और ये मांग कर रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं, औरतें हैं, सर्दी में, अब तो नहीं रही है सर्दी, दिसंबर में बड़ी सर्दी थी, हमारा घर से निकलने का दिल ही नहीं करता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी, और उसके बारे में क्या दिए, क्या क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी का मतलब परजीवी, परजीवी का मतलब होता है दूसरे के ऊपर खाता है दूसरे का। बताओ, आज तक किसी ने भी हमारे साथ अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन परजीवी नहीं बोला किसी, क्या हम दूसरा खाने वाले हैं। हमारी जो बेइज्जती जो करनी थी सरकार ने की है। अभी आगे जो हम काम करेंगे, हमारे नेता किसान नेता, वो बड़ा सोच के कार्रवाई करना, क्योंकि मैं तो सीआरपी में आपको बता दिया 36 साल, और मेरा काम था ये आंदोलन देखना, लठ बजाना, गोली चलानी, यही काम करते थे हम, बहुत नजदीक से देखा है। राजाने के बाद भी 7 साल में लगा रहा जाट आरक्षण के लिए, बहुत आंदोलन किए, लेकिन मैं ये बता दूं, कोई किसी पार्टी का नेता नेताओं पर कभी विश्वास मत करना, बहुत बड़ी धोखे पार्टी धोखेबाज लोग हैं ये, चाहे कोई मेरा चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, इनकी शिक्षा ऐसी है, विश्वास करने लायक नहीं होते लोग। मैं बताऊंगा, बहुत बात है मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो बताना नहीं चाहता मैं अभी। अब मैं भाइयों से, मेरे किसान नेता उनसे अपील करता हूं कि जो रे लोग ये जो भी है, ये बड़ा प्लानिंग करो और फिर पक्के हो जाओ उस पर कि हमने ये करना है
इसके बदले में से हमको जान देनी पड़ेगी तो भी देंगे, हटना नहीं पीछे, पीछे हट गया मर गए। पीछे हटने से कभी हमारे पर विश्वास नहीं करें ना हमसे डरेंगे, अभी भी नहीं डरते, क्यों जानते हैं कि यहां पड़े दो चार महीना छह महीना पढ़ के वापस निकल जाएंगे, ये सोच रही है सरकार। बिल्कुल दया नहीं है ये सरकार को, दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसलिए जो प्लानिंग करते हो, जो भी ये लोग को जो भी करते हो, बड़ा ठोस तरीके करना, सोच विचार करके करना। सफलता जरूर मिलती है इरादों के ऊपर, बाकी जो है इन लोगों को एहसान नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। मोदी साहब अभी 7 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मिनट और बोलूंगा बस। प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले सीएम थे वो गुजरात के, उससे पहले हिंदू धर्म के प्रचारक थे, यही बेड़ा होगा, आई बी का आदमी नोट कर लेना भाई, वो हिंदू धर्म का प्रचारक था मोदी साहब, हिंदू धर्म का प्रचार करता था। और 95 में सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दे दिया, हिंदू कोई धर्म नहीं है दुनिया में, पता नहीं आप लोगों मेरे ख्याल में, 95 में फैसला दे दिया कि हिंदू कोई भी धर्म नहीं, ये तो एक जीना का तरीका है, धर्म नहीं है, जीने का तरीका। देखिए चिट्टी ना छोटी छोटी घूम रही है हमारे पैरों में, उनका भी तरीका है, हम तो इंसान है। तो मोदी जो किया है हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, अभी देश का बेड़ा गर्क करेंगे, आपके सामने आएगा देखना। लेकिन प्रचार, ये मदारी लोग हैं, ये प्रचार इतना करते हैं कि आम आदमी समझेगा नहीं, वो समझेगा अच्छे दिन आएंगे, अभी बैठे हैं इंतजार में हम लोग, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे वो? पूरा पंजाब यहां सर्दी में बरसात में यहां पड़ा, ये अच्छे दिन है क्या? उसकी इज्जत खराब हो जाएगी? प्राइम मिनिस्टर को इज्जत खराब है इसमें? खुद बोला है कि कानून ऑप्शनल है और ये सब्जेक्ट भी स्टेट का है, बताओ काय के लिए इसमें वो जबरदस्ती कर रहे हैं, और उसकी बगैर कोई चलती नहीं किसी की। ये है, इसको बोलते हैं मूक डिक्टेटरशिप, तानाशाही है ये। तो इस तानाशाही से हमने लड़ना है, और हम इस तानाशाही से लड़ सकते हैं जब हम एक रहेंगे। हम बीच में प्रचार होता है बार बार तोड़ने का, हमने किसान आंदोलन को तोड़ने का बहुत प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा, उसको समझना है। मैं एक बात और करना चाहूंगा जो दिल में लगी है, मैं 7वीं कक्षा से बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूं, हुक्का पिया सिगरेट बीड़ी, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ी मन देश में, क्यों सब स्टेट में रहे। मैं उस दिन यहां गया था टिकरी बॉर्डर, तो सिख हमारे सिख भाई वो हुक्का पी रहे थे उधर, मुझे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 61 साल मैंने पिया, इसको छोड़ने के लिए मैंने क्या नहीं किया। जब मेरे को ये लगी क्या लकवा वाली बात, और मदानता में एडमिट रहा है, जब मेरा जो है स्मोकिंग छूटा, नहीं छूटता नहीं था, क्यों एडिक्शन हो गया था। मैं पंजाब में रहा हूं, हालांकि उस टाइम मैंने देखा है चोरी छिपे पीते थे कुछ लोग, बड़ी दोस्ती थी मेरी, आज भी दोस्ती है वहां मलेरकोटला तरन तारण में भी रहा हूं मैं 7-8 महीना, बड़ी दोस्ती है लोगों वहां, लेकिन पीते थे उस टाइम, मैं आपको बताऊं छपके। तो मैं बोलता था भाई तुम छोड़ोगे नहीं, यार दोस्त थे वो, मुझको तुम पीना छोड़ दो नहीं तो मैं सरदार बनूंगा, जत्थेदार तुम्हारी छुड़वाऊंगा एक दिन, और मैं सरदार बनने जा रहा हूं, सिख बनने जा रहा हूं, सिख का मतलब है डिसाइपल ऑफ गॉड। 21 अप्रैल को मैं सिख धर्म अपनाऊंगा परिवार के साथ, उस दिन धन्ना भगत का जन्मदिन है, और धन्ना भगत के दर्जनों दोहे ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हैं। 21 अप्रैल को हम धर्म अपनाएंगे, और सहजधारी भी सिख हैं, केसधारी भी हैं, मैं बनूंगा अमृतधारी। सोलिया वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। धन्यवाद, थैंक यू।